उज्जैन में तेज बारिश के बाद जलजमाव ने लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नगर निगम के प्रयास जारी हैं, परंतु कई इलाकों में राहत अभी भी नदारद है। उज्जैन में सोमवार की शाम से लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया है, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शहर के जूना सोमवारिया, केडी गेट, नई सड़क और इंदिरा नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जलजमाव के कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक साबित हो रही है। लोगों ने नगर निगम को शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कई स्थानों पर स्थितियां बदतर बनी हुई हैं। इंदिरा नगर के निवासी अशरफ खान ने बताया कि सड़कों पर भरी पानी में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सड़कें दिखाई न देने के कारण लोगों को अपने घर में कठिनाई हो रही है, जिससे हर रोज की जिंदगी में प्रभावित हो रही है। गांधीनगर के निवासी रविंद्र कुमार ने जलजमाव की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पानी भरने की वजह से सड़कों पर गड्ढे और नालियां दिखाई दे रही हैं, जिससे कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग नगर निगम से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि जलजमाव की शिकायत मिलने पर तुरंत टीम भेजी जा रही है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि शहर के निचले इलाकों में भारी बारिश के बाद कुछ समय के लिए पानी भर जाता है, पर इस बार पिछले साल की तुलना में शिकायतें कम आई हैं। नगर निगम की टीम जल निकासी के लिए लगातार काम कर रही है, परंतु तेज बारिश और शहर की जल निकासी व्यवस्था की सीमाएं समस्या को बढ़ा रही है। कई इलाकों में पानी निकलने में घंटे लग रहे हैं, जिससे लोग नगर निगम से अधिक प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। उज्जैन के निवासियों को जलजमाव हो रही दिक्कतों को नगर निगम जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कर रहा है, परंतु यह समस्या नगर की पुरानी संरचना और बारिश की तीव्रता के चलते लगातार बनी हुई है।